मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुटी है। सोमवार को बसपा की प्रमुख मायावती ने लोगों से कहा कि वे जाति आधारित गणना की कांग्रेस की मांग के झांसे में नहीं आए। बसपा प्रमुख ने मध्य प्रदेश के अशोक नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न देने में भी देरी की थी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुटी है। सोमवार को बसपा की प्रमुख मायावती ने लोगों से कहा कि वे जाति आधारित गणना की कांग्रेस की मांग के झांसे में नहीं आए। बसपा प्रमुख ने मध्य प्रदेश के अशोक नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न देने में भी देरी की थी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुटी है। सोमवार को बसपा की प्रमुख मायावती ने लोगों से कहा कि वे जाति आधारित गणना की कांग्रेस की मांग के झांसे में नहीं आए। बसपा प्रमुख ने मध्य प्रदेश के अशोक नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न देने में भी देरी की थी।